ओके स्टूडेंट, तो आज करेंगे 11th मैथ कंटिन्यूटी 108.1 क्वेश्चन 11th का फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, काफ़ी इजी है। फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी फाइंड कर रहे हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक रेंज दिया है, यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक दिया है, तो तीन तीन दिया है। तो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं बताऊँगा। पहले लिखो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स, ये उन्होंने दे दिया है, इट इज़ गिवन। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या करना है, पहले ये पार्ट को लेते हैं, जीरो को लेते हैं पहले, एंड यहाँ पे जो टू है इसको बाद में लेते हैं। ठीक है, पहले इसको लेते हैं, बाद में इसको ले लेते हैं टू को। तो पहले यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस सिंबल बताएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट लेना है, दिस प्लस ट्वेल्थ दैट इट इज़ राइट हैंड लिमिट। ओके, फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस मतलब देयर फोर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस फंक्शन। मतलब अगर कंटिन्यूस रहेगा तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन में जाना है एंड राइट हैंड के लिए ग्रेटर देन में। तो इसके लिए ये लेस देन आएगा और ये ग्रेटर देन आएगा। तो जिसके लिए क्या आएगा, ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने देखा था लेस देन सिंबल, लेस देन सिंबल इधर है तो ये है, तो इसको इधर लिखना है। ठीक है, ये बनेगा एक प्लस टू बी प्लस 18 इक्वल टू सिंबल, उसके बाद लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में बताना है कि लेफ्ट हैंड है लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एंड प्लस नहीं लिखना है। अब ये फंक्शन इसके लिए क्या आएगा, राइट हैंड के लिए ग्रेटर देन है एंड यहाँ पे है जीरो का ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे जाना है, इसको इधर लिखना है। तो ये बनेगा थ्री, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ए जीरो को इधर पुट करना है, जीरो को इधर पुट करना है और जीरो को इधर पुट करना है, वो साइड करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब इसको पुट करेंगे इधर, तो क्या बनेगा, ए इंटू जीरो प्लस ये टू बी प्लस 18 जो है वैसे का वैसे रहेगा, ये बनेगा टू बी प्लस 18 दैट इज इक्वल टू, ये जीरो इधर जाएगा, ये बनेगा जीरो स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस बी। तो ऐसे रहेगा आफ्टर टेकिंग लिमिट, ये जीरो को इधर पुट करना है, तो बाकी जो है उसको लिखा मैंने और इसको यहाँ पर जीरो स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा टू बी प्लस 18 इज इक्वल टू थ्री ए माइनस बी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये टू बी को राइट साइड में ले लेते हैं, तो ये बनेगा 18 इज इक्वल टू थ्री ए माइनस बी, इसको मैं राइट साइड लूँगा माइनस टू बी, ये बनेगा 18 इज इक्वल टू थ्री ए माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे बनेगा थ्री बी, इसको उल्टा लिखते हैं थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू 18, यहाँ पर थ्री ए थ्री ए थ्री ए, तो डिवाइड बाय थ्री, ये बनेगा ए माइनस बी, यहाँ पर डिवाइड बाय थ्री वन आएगा, यहाँ पर डिवाइड बाय थ्री एंड यहाँ पर सिक्स, इक्वेशन वन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लेके आना है, आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा। ठीक है, तो पहले जीरो का देखा तो हमको एक इक्वेशन आया है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी इसका देखना है, अभी टू का देखना है, हमने इसका देखा था, अब इसका देखना है, टू का देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अभी ये नहीं देखना है, ठीक है, जीरो का नहीं देखना है, अभी टू का देखना है। तो टू के लिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में जाना है, तो मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस दिया है, राइट, दैरफोर वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको वापस लिखते हैं, बिकॉज एफ इज कंटिन्यूस, ओके, कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स गिवन, देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू टू। अभी सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में हमने ये पॉइंट लिया था जीरो एंड जीरो, अभी नेक्स्ट टाइम पे टू एंड टू लेंगे, तो यहाँ पर टू का लेफ्ट हैंड लिमिट दैट फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू टू प्लस फंक्शन, ऐसे लिखना है देयरफॉर। अब इसका क्या वैल्यू आएगा उसको पुट करना है। अब इसका आ रहा है, इसके लिए हमको हमेशा लेस देन में जाना है, लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन, तो यहाँ पर आएगा और इसको उधर लिखना है।
ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू टू, राइट। और इसको इधर लिखेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड प्लस सिंबल है प्लस के लिए, इसको हम इसके लिए हमको लेस देन में जाना है और इसके लिए ग्रेटर देन में जाना है, तो इसके लिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन सिंबल इधर है, इसको उधर लिखना है। ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू टू एट एक्स माइनस टू, ठीक है, ऐसे लिखना है। ओके, तो अभी तो फर्स्ट पॉइंट से हमको इक्वेशन वन मिला, अभी यह सेकेंड पॉइंट से इक्वेशन टू मिलेगा, तो इसको ऐसे लिखना है। अभी बाकी का इधर सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो टू है इसको इधर पुट करना है और इसको इधर पुट करना है वैल्यू को, तो यहाँ पे ये बनेगा टू स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एट है, एट इंटू टू माइनस टू है सॉरी, तो यहाँ पे आएगा टू। ओके, तो ये बनेगा फोर प्लस थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व, इसका आएगा फोर प्लस थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू फोर्टीन, ये फोर को राइट हैंड साइड में लेते हैं, थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस फोर, तो दैट इज इक्वल टू टेन, ये फोर को राइट हैंड साइड लिया, तो हमको आ रहा है इक्वेशन टू इज इक्वल टू टेन, इक्वेशन टू, इक्वेशन वन मिला, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं और इसको क्लियर करता हूँ और ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब हमको मिलेगा ए एंड बी, ठीक है। तो अभी इक्वेशन वन क्या था हमारा, ए माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स इक्वेशन वन, थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन इक्वेशन टू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, याद रखो माइनस है तो प्लस बनेगा और ये माइनस आएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा ये कट कर सकते हैं, राइट, तो हमको कट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये बनेगा माइनस टू, ये कट कर कट हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर वन ले लेते हैं, नहीं दिया तो ये बनेगा वन माइनस थ्री माइनस टू आएगा, तो माइनस टू ये इज इक्वल टू सिक्स माइनस टेन माइनस फोर, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस को कट करना है, सो टू ए इज इक्वल टू फोर, दर फोर ए इज इक्वल टू फोर बाय टू, दैट इज इक्वल टू टू, तो ए का वैल्यू आ रहा है टू। ओके, तो दर फोर ए का आ गया टू, इसको एक सिंपल इक्वेशन में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है, सो पुट ए इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स है इक्वेशन वन, तो यहाँ पर टू पुट करेंगे, टू माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स, तो ये यहाँ पर बनेगा दर फोर माइनस बी इज इक्वल टू, इसको उधर लेते हैं, सिक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू फोर, सो माइनस बी इज इक्वल टू फोर, दर फोर बी इज इक्वल टू, ये माइनस को इधर लेना है माइनस फोर, ठीक है, हो भी आपको समझ में आ रहेगा, ए का वैल्यू टू आ रहा है, बी का माइनस फोर आ रहा है, ठीक है, तो काफ़ी इजी है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके,